हेलो फ्रेंड्स, हेलो लर्नर्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए मैम आ गई हैं बंगला के कुछ नए नए सेंटेंसेस लेके। हो सकता है जैसे मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों को लेके, मैम ये क्या सिखा रही है, इन सेंटेंसेस की ज़रूरत क्या है। लेकिन ज़रूरत है तभी मैम सिखा रही हैं। ये सेंटेंस की ज़रूरत आप लोग को ज़रूर से पड़ेगी। वो क्या सेंटेंस है अभी हम लोग सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल कोरी स्टडी कॉर्नर। बंधुरा स्वागत जाना है अपना कोरी स्टडी कॉर्नर। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं बंगला कुछ नए नए सेंटेंसेस। तो चलिए पहला सेंटेंस है, मुझे बहुत पसीना हो रहा है। हाँ भाई, ये गर्मी के सीजन के लिए मैंने तैयार किया ये सेंटेंसेस, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करेंगे, रट लेंगे तो गर्मी में हम लोग अच्छे से बोल पाएंगे। तो मुझे बहुत पसीना हो रहा है, बंगला में बोलेंगे आमार अनेक घाम होच्छे। मुझे आमार बहुत बंगला में अनेक, पसीना को बंगला में बोलते हैं घाम। क्या बोलते हैं? घाम। हो रहा है होच्छे, आमार अनेक घाम होच्छे। सेकेंड सेंटेंस, कितनी गर्मी है आज। कतो गरम आज के, कितनी कतो गर्मी है गरम आज, बंगला में बोलेंगे आज के, कतो गरम आज के। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, मुझे गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सच्ची में, सच्ची कह रही, मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं। कमेंट करके जरूर बताइए मैम को कि आप लोगों में से किन किन को गर्मी पसंद नहीं है, मैम ही की तरह। आगे बढ़ते हैं, मुझे गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बंगला में बोलेंगे आमार गरम काल एकटुओ भालो लागे ना। मुझे आमार गर्मी, देखिए यहाँ पे सीजन की बात हो रही है, गर्मी का सीजन, तो बंगला में बोलेंगे गरम काल। क्या बोलेंगे? गरम काल मतलब गर्मी का सीजन। बिल्कुल भी एकटुओ, बिल्कुल भी, चूंकि भी लगा इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ओ। ठीक, बिल्कुल भी एकटुओ अच्छी नहीं लगती भालो लागे ना। अच्छा लगना भालो लगा, अच्छी नहीं लगती भालो लागे ना। आमार गरमकाल एकटुओ भालो लागे ना। नंबर फोर, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, बंगला में बोलेंगे आमार अनेक तेष्टा पेयेछे। मुझे आमार बहुत तेज, अनेक या बोल सकते हैं अनेक जोरे, सिर्फ अनेक बोलिए तो भी चलेगा, अनेक जोरे बोलिए तो भी चलेगा। ठीक, बस यहाँ पे लेवल थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। प्यास लगना बंगला में होता है तेष्टा पावा, प्यास तेष्टा, प्यास लगना तेष्टा पावा, प्यास लगी है तेष्टा पेयेछे। और यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि आमार अनेक जल तेष्टा पेयेछे तो भी सही है। और अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि आमार अनेक तेष्टा पेयेछे तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जो है करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है, मुझे कोई पानी पिलाओ, बंगला में बोलेंगे आमा के केउ जल खावाओ। मुझे आमा के कोई, बंगला में केउ, पानी बंगला में बोलते हैं जल, ये तो आप लोग को अच्छे से पता है। पिलाओ खावाओ, क्योंकि बंगला में हम लोग लिक्विड चीज़ों को भी क्या करते हैं? खाते हैं। पानी जल खावाओ, चा खावाओ, शरबत खावाओ, कॉफ़ी खावाओ। ठीक है, ये याद रखिएगा, बंगला में लिक्विड चीज़ें भी हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, आमा के केव जल खावाओ। नेक्स्ट, यह पानी तो गर्म है, बंगला में ए जलटा तो गरम। यह ए पानी जल टा, टा क्यों लगाएंगे? टा इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर जो हमको पानी दिया गया है, हम उस पानी की बात कर रहे हैं जो पीने के लिए हमको पानी दिया गया है, क्योंकि सिर्फ उसी पानी की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे टा लगाएंगे, जल टा। तो बंगला में भी तो ही रहेगा, गरम है बंगला में गौरव, हिंदी में गरम, बंगला में गौरव, ए जलटा तो गौरव।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुझे ठंडा पानी चाहिए, बंगला में बोलेंगे आमार ठंडा जल चाई। मुझे आमार ठंडा, हिंदी में बंगला में ठंडा, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। हिंदी में ठंडा, बंगला में ठंडा। पानी जल चाहिए चाय, आमार ठंडा जल चाय। तो लर्नर्स अगर यहाँ तक आ गए हैं इट मीन्स आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी अच्छी तो लगी रही है। तो वीडियो को अगर अच्छे वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिए फटाफट, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैम ऐसे अच्छे से बंगला आप लोगों को सिखाती है, एक एक वर्ड के एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बंगला सिखाती है, ताकि इससे रिलेटेड सेंटेंसेस और आप लोग अपने से खुद से बना सके। तो इस उम्मीद के साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देन नंबर 8, फ्रिज में तो ठंडा पानी है ही नहीं, तभी ना गर्म पानी मिल रहा है। चलिए, फ्रिजे तो ठंडा जल ही नहीं, ऐसे बोलेंगे जल ही, खींच के बोलेंगे जल ही नहीं। फ्रिज में फ्रिज ए, तो ही रहेगा ठंडा, जैसे मैंने बोला बंगला में हो जाएगा ठंडा। पानी जल, अब देखिए यहाँ पे हिंदी में है पानी है ही नहीं, बंगला में बोलेंगे जल ही नहीं, बस ऐसे बोलेंगे फ्रीजे तो ठंडा जल ही नहीं। क्लियर, आगे बढ़े। नंबर 9, क्योंकि कल से करंट ही नहीं है, क्योंकि कल थे के करंट ही नहीं, क्योंकि बंगला में क्योंकि, क्योंकि को बंगला में बोलेंगे क्योंकि। कल से काल थे के, देखिए करंट वैसे तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन उसके उच्चारण जब हम बंगला में बोलेंगे तो उसके उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। हिंदी में जब ये वर्ड बोलते हैं करंट बोलते हैं, लेकिन बंगला में जब बोलेंगे तो हो जाएगा करंट, बंगला में बोलेंगे करंट, ठीक है। बंगला में यही प्रोनाउंसिएशन होता है, भले ये वर्ड इंग्लिश है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिख दिया है। तो क्योंकि काल थे के करंट ही रहेगा नहीं है नहीं, क्योंकि काल थे के गारंटी नहीं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है जाओ दुकान से ठंडा पानी खरीद कर लाओ, बंगला में बोलेंगे जाओ दुकान थे के ठंडा जल कीने निये एशो। जाओ बंगला में भी रहेगा जाओ, दुकान से दुकान थे के, दुकान को बंगला में बोलते हैं दुकान, और दुकान से दुकान थे के, ठंडा ठंडा पानी जल खरीद कर लाओ कीने निये एशो। खरीदना बंगला में केना, और लेकर आओ निये एशो, तो खरीद कर लाओ कीने निये एशो। जाओ दुकान थे के ठंडा जल कीने निये एशो। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स लर्नर्स ये था आज का वीडियो। अभी शायद आप लोग को लगे कि इन सेंटेंस का क्या काम, पर ये याद रखिएगा मैम ने सिर्फ सेंटेंस नहीं सिखाया, बहुत सारे वर्ड इसके थ्रू मैंने आप लोग को सिखाया है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।